हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीएस। और हम देख रहे थे इंडियन रिवर सिस्टम्स, प्रेजेंटेड बाय मी अभिनव राज। इससे पहले हम इंडस रिवर सिस्टम अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, इंडियन पाकिस्तान और ऐसा कह सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, उसके रिलेटेड ट्रिब्यूटरीज क्या हैं और इंडिया बांग्लादेश वाटर ट्रीटी, ये सब हम देख चुके हैं। और इसके अलावा जो हमारा थर्ड रिवर सिस्टम जो हम देख रहे थे वो था चंबल रिवर सिस्टम। इस पर हम दो लेक्चर बना चुके हैं, पहला चंबल रिवर सिस्टम और दूसरा था ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं तो एमसीक्यू बेस्ड ऑन चंबल रिवर सिस्टम। तो इस वीडियो को देखने वाले जो लोग हैं, मैं उन्हें ये एडवाइस करूँगा कि पहले आप मेरे जो लेक्चर्स हैं चंबल रिवर सिस्टम उसको आप देखें, और ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल इंग्लिश या हिंदी आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को देखें, तब आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकेंगे, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये एडवाइस है आप लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ, चंबल ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ओरिजिन ऑफ चंबल कहाँ से, सिंगार चौरी पिक, जनपाव हिल्स, मानपुर महो और या स्लोप ऑफ बिंधे माउंटेन रेंज, तो कौन से ऑप्शन इसमें सही हैं? चलिए वन बाई वन करके देखते हैं। सिंगार चौरी पिक, हाँ सही है। और सिंगार चौरी पिक कहाँ है, तो जनपाव हिल्स पर है, तो ये भी सही हुआ। लोकेशन क्या है उसका, तो मानपुर महो टाउन ऑफ इंदौर मध्य प्रदेश, और ये बिंधे रेंज के साउदर्न स्लोप से निकला है, यानी चारों जो ऑप्शन है हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन इसका डी हो गया, ऑल द अबव आर करेक्ट, ठीक है। ये मेरा पहले का स्लाइड है जिसमें कि हम ये मेंशन किए थे कि सिंगार चौड़ी पिक, जनपाव हिल्स, मानपुर महो, इंदौर मध्य प्रदेश, और महो इज बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, ओके। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चंबल रिवर, ठीक है। इट इज अ पेरेनियल रिवर, इट मेक्स फ्लड प्लेन, तो स्टेटमेंट वन भी सही है और स्टेटमेंट टू भी सही है। अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकॉरेक्ट, अब ये रिमार्केबल चीज हो गया इनकॉरेक्ट, क्योंकि ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए अब हम क्या देख रहे हैं कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो बोथ इनकॉरेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा ऑप्शन नन, नन ऑफ द एबव इज इनकॉरेक्ट, ओके। तो करेक्ट इनकॉरेक्ट जहां भी मेंशन हो तो उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आंसर जानते हुए भी हम गलत कर बैठते हैं, ओके। तो ये थर्ड क्वेश्चन, द टर्म पंचनद इज रिलेटेड टू चंबल रिवर सिस्टम, इंदस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। तो पंचनद जैसा कि हम अपने लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हाँ चंबल रिवर जो है ये पंचनद बनाती है, इंदस रिवर सिस्टम भी पंचनद बनाती है, और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में कहीं पंचनद वर्ड का मेंशन नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा जिसमें कि वन एंड टू ओनली, यानी ऑप्शन सी। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि चंबल जो रिवर्स है वो पंचनद बनाती है, तो उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, और इंदस रिवर के पंचनद में कौन कौन सी वो पांच नदियां हैं, ठीक है। पंचनद मतलब हुआ कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ या अमलगमेशन ऑफ फाइव रिवर्स, ठीक है, पांच नदियों का समाहार। चौथा क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट बरे, बरे क्या है, जगह है। इट इज लोकेटेड इन इटावा उत्तर प्रदेश, इट इज वेरी क्लोज टू पंचनद, ठीक है, मेक्स बॉर्डर बिटवीन यूपी एंड राजस्थान। अब हम देखते हैं वन बाई वन ऑप्शंस को, तो हाँ ये इटावा में है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, वेरी क्लोज टू पंचनद, जहाँ चंबल रिवर पंचनद बनाती है उससे बरे बहुत नज़दीक है, ये भी ऑप्शन सही है। और तीसरा जो बात है कि इट मेक्स बॉर्डर बिटवीन यूपी एंड राजस्थान, तो नहीं ये राजस्थान नहीं होगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए इसका वन एंड टू करेक्ट है स्टेटमेंट, ओनली वन एंड टू, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच एमोंग द फ्लोइंग कंस्टिट्यूट द पंचनद इन चंबल रिवर। अब बताना इसमें कि चंबल रिवर पर ये पंचनद कौन कौन सी रिवर्स बनाती हैं, कौन ऑप्शंस के हिसाब से, चंबल, कवारी, केन, पहुज एंड बेतवा। ठीक है, तो वन बाय वन देखते चलते हैं। चंबल हाँ बनाती है, कवारी ये भी एक रिवर है पांच नदियों में से एक, केन नहीं ये नहीं है, पहुज हाँ पहुज है, और बेतवा, बेतवा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वन टू एंड फोर हमारा ये ऑप्शन वन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उसके पहले ये स्लाइड देख लीजिए, ये पंचनद किस तरह से बन रहा है। ये चंबल रिवर है, ये यमुना रिवर है, तो दो नदी ये हो गई, तीसरी है पहुज, चौथी सिंध और पांचवी कवारी। ये जहां पर ये पांचों नदियां एक बार मिल रही है, पांच नदियों का जल वरेह उत्तर प्रदेश इटावा डिस्ट्रिक्ट में शेयर होता है या मिलता है, तो ये पंचनद बनाता है। जबकि बेतवा और केन इससे कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं पंचनद से, उन नदियों का चर्चा हम आगे के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, छठा सवाल है, रिवर चंबल अलोंग विथ द फॉलोइंग फॉर्म्स ट्रायंगुलर एलुवियल बेसिन। चंबल रिवर कौन नदियों से मिलके ट्रायंगुलर एलुवियल बेसिन बनाती है, क्योंकि ये चंबल नदी बहती है मालवा प्लेट्यू में और थोड़ा एरिड जोन है, तो उसमें एलुवियल रीजन का होना बड़ा सिग्निफिकेंट है। ट्रायंगुलर बेसिन बनता है एलुवियल एरिड जोन में होते हुए भी, तो ये कौन सी वो रिवर्स हैं जो कि ये ट्रायंगुलर बेसिन बनाती हैं चंबल के साथ मिलके, सिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास, ये ऑप्शंस हैं हमारे, तो देखते चलते हैं। सिप्रा नहीं, काली सिंध हाँ, काली सिंध उसमें की एक कंस्टिट्यूएंट है, पार्वती, पार्वती भी है, और बनास नहीं, बनास नहीं है, यानी कि टू एंड थ्री ऑप्शंस, यानी कि ऑप्शन बी हमारा हुआ। ठीक है, ये सब पहले के लेक्चर में मैंने जिक्र कर रखा है, तभी क्वेश्चन में ऐड करा इसे, सॉरी, फिर द सिक्स्थ क्वेश्चन, इट शुड बी सेवेंथ। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ्स, एन अंडुलेटिंग फ्लड प्लेन, गुलिज, रेविन्स और बैडलैंड। विच ऑफ द रिलीफ्स आर रिलेटेड टू चंबल रिवर। ये अलग अलग लैंड फीचर्स हैं, तो इसमें से कौन कौन से रिलीफ फीचर्स जो हैं चंबल नदी से ताल्लुक रखते हैं, अंडुलेटिंग प्लेन ताल्लुक रखता है, फ्लड प्लेन अक्सर हम न्यूज में देखते हैं मॉनसून के टाइम में कि चंबल रिवर के बेसिन में बाढ़ आता है, फ्लड प्लेन होता है, गुल्लीज, रेविन्स और बेडलैंड, ये चारों रिलीफ फीचर्स चंबल रिवर बेसिन में पाए जाते हैं, यानी ऑल ऑफ देम, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अरेंज द फ्लोइंग डैम्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये ध्यान देना है यहाँ पर, साउथ टू नॉर्थ, कोटा बराज, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो पहले मैप पर देखते हैं इन चीज जगहों को, ये देखिए साउथ टू नॉर्थ हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे नीचे ये गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश मंदसौर, उसके बाद राणा प्रताप सागर जो है राजस्थान में पड़ता है, और ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि राणा प्रताप सागर डैम है वो किस शहर के नज़दीक में है। उसके बाद जवाहर सागर जो कि कोटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये कोटा बराज, यानी साउथ से नॉर्थ देख रहे हैं तो पहले गांधी सागर, तब राणा प्रताप सागर, तब जवाहर सागर और कोटा बराज। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन बी सही हुआ, यानी 2, 4, 3, 1, पहले गांधी सागर, तब राणा प्रताप सागर, तब जवाहर सागर और अंत में कोटा बराज, क्योंकि साउथ से नॉर्थ पूछा गया था। द डैम्स इसमें से कौन सा डैम है या डैम्स हैं जो कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए बनाया गया है कोटा रिवर पर, सॉरी चंबल नदी पर, कोटा बराज, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं, कोटा बराज बिल्कुल एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए बनाया गया, गांधी सागर नहीं ये इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए है, जवाहर सागर ये भी इलेक्ट्रिसिटी पर्पस, और तीसरा
राणा प्रताप, ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, यानी ऑप्शन हुआ केवल एक, यानी ऑप्शन सी, ओनली वन इज करेक्ट। द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल इंक्लूड, इनमें से कौन कौन सी रिवर्स चंबल की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? बनास, परवान, मेज और सू। देख लेते हैं, बनास हाँ है, परवान नहीं, ये नहीं है। परवान किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये एक टास्क है आप लोग से। ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ जो हम बता रहे हैं आप लोग इफेक्टिवली समझ पा रहे हैं उस चीज को। मेज ये ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक, और सू यानी कि 1, 3 एंड 4 ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज रिलेटेड टू चंबल रिवर आर, इनमें से कौन कौन सी नेशनल पार्क सेंचुरीज हैं जो कि चंबल रिवर से ताल्लुक रखती हैं किसी भी तरह से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी और केवलादेव नेशनल पार्क। तो डेजर्ट नेशनल पार्क बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जैसलमेर में है, अरावली माउंटेन रेंज के वेस्ट साइड में, और चंबल अरावली के ईस्ट साइड में बहती है, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। रणथंभौर नेशनल पार्क, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, इसे बेतवा नदी का रिलेशन है, एज पर यूपीएससी पहले क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि किस नदी का पानी रणथंभौर नेशनल पार्क को होते हुए आता है। थर्ड ऑप्शन, नेशनल चंबल सेंचुरी एज द नेम डिक्टेट्स, तो ये तो रिलेटेड है। और चौथा, केवलादेव नेशनल पार्क, यानी कि 3 एंड 4, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क है ये 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट घड़ियाल, घड़ियाल क्या है? इज अ फिश ईटिंग ब्रीड ऑफ क्रोकोडाइल, इज मेनली फाउंड इन इंडिया एंड अफ्रीका, इज लिस्टेड वनरेबल इन रेड बुक लिस्ट, और इज गिवन प्रोटेक्शन इन नेशनल चंबल सेंचुरी। तो ऑप्शंस वन बाय वन देखते हैं फिर से। तो हाँ, ये फिश ईटिंग ब्रीड है क्रोकोडाइल का, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि बस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, अफ्रीका में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन टू गलत हो गया। और ये तीसरा ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ये वनरेबल नहीं है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसी है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हुआ हमारा। और चौथा हाँ ये सही है, नेशनल चंबल सेंचुरी जो है उसमें घड़ियाल को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी ओनली 1 एंड 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ये घड़ियाल है और ये स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया इसको नेशनल चंबल सेंचुरी में, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में ये चार स्टेटमेंट हैं, इनमें से सच्चा झूठा आपको पकड़ना है कौन सा है कौन गलत। इट इज लोकेटेड इन धौलपुर, घाना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन इट, इट इज द फर्स्ट रामसर वेटलैंड ऑफ इंडिया, और इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया फ्रॉम फुली रिलोकेटेड टाइगर्स। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि ये धौलपुर में नहीं है, ये भरतपुर में है, राजस्थान के भरतपुर में, और घाना जो बर्ड सेंचुरी है इसके अंतर्गत है, तो टू सेकेंड ऑप्शन सही है। इट इज द फर्स्ट रामसार वेटलैंड ऑफ इंडिया, नहीं, फर्स्ट रामसार वेटलैंड ऑफ इंडिया है चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और चौथा ऑप्शन है, इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क फ्रॉम फुली रिलोकेटेड टाइगर्स, तो ये भी गलत है क्योंकि ये है सरिस्का अलवर में, फुली रिलोकेटेड टाइगर्स से ये मतलब है कि उस सरिस्का नेशनल पार्क में जो भी टाइगर्स थे वो किसी भी कारण से, नेचुरल काउज से या हंटिंग और पोचिंग, वो सारे के सारे मारे गए, तो दूसरे जगह से वापिस से लाकर और टाइगर्स को यहाँ रिलोकेटेड किया गया, और ये इस तरह का इंडिया का पहला और वन ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड ये नेशनल पार्क है सरिस्का। तो ऑप्शन फोर भी गलत है क्योंकि यहाँ केवलादेव का बारे में हम बात कर रहे हैं, केवलादेव के बारे में। तो अब कौन सा ऑप्शन सही है, ओनली टू, ठीक है, यानी ऑप्शन सी, ओके। तो चंबल रिवर सिस्टम में इतना ही, आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे नर्मदा रिवर सिस्टम को,
और नर्मदा तापी एक साथ देख लेंगे, ठीक है। जो लोग मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखे उन्हें पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी नए वीडियो मैं बनाऊं तो आपको इसके नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।